खबर रामनगरी अयोध्या से है, जहां तपस्वी छावनी के महंत आचार्य परमहंस दास ने रुदौली क्षेत्र में चल रहे अवैध बूचड़ खानों को लेकर डीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन दिया। परमहंस ने कहा कि उन्होंने डीएम के माध्यम से ज्ञापन देकर मांग की है कि अगर 2-4 दिन में ये बूचड़ खाने बंद नहीं हुए तो इसके लिए वे सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे। बताया कि ये वो स्थान है जब भगवान राम को वनवास हुआ था, तब उन्होंने सबसे पहले उन्होंने यहीं पर विश्राम किया था। साथ ही कहा कि इसको लेकर उन्होंने सभी सामाजिक संगठन से वार्ता कर ली है। वे सभी लोग देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित हैं। इसके लिए वो शास्त्र और शस्त्रों से हर समय तैयार हैं। इसके लिए वे 12 अक्टूबर से आमरण अनशन करेंगे। मैं रुदौली में यहाँ के ग्रामवासियों के अनुरोध पर जब मैं आया तो पता चला कि यहाँ तमाम बूचड़ खाने चल रहे हैं जो अवैध हैं। बड़ा दुख हुआ। आज ही मैं यहाँ से जो है जिला प्रशासन को मैं सभी बूचड़ खानों को बंद करने, आज मेरी यहाँ प्रेस वार्ता सम्पन्न हुई और बूचड़ खानों को बंद करने के लिए आज ही मैं यहाँ से जिलाधिकारी को हमने भेज दिया है, और अगर 2-4 दिन के अंदर बूचड़ खाने नहीं समाप्त होते हैं तो इसके लिए मैं यहाँ सत्याग्रह भी करने वाला हूँ। ये स्थान वो है कि जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ था तो वनगमन के समय में सबसे पहले भगवान तमसा नदी के तट पर रहे, प्रथम वास तमसा कर दूसर सुरसती। ये देखिए तमसा नदी है यहाँ, ये बहुत बड़ा विशाल ये बरगद का पेड़ है और ये तमसा नदी है। यही भगवान श्री राम जो है पहले रात्रि विश्राम किए थे। तो आज यहाँ तमसा नदी का मैंने पूछा और 12 अक्टूबर से सभी देशवासी हमारे साथ में हैं। इसको लेकर के तमाम हिंदू संगठनों से भी बात हो गई है, आप संघ प्रमुख से मेरी बात हो गई है, विश्व हिंदू परिषद से बात हो गई है, बजरंग दल से बात हो गई है, और तमाम जो भी राष्ट्रवादी लोग हैं जो चाहते हैं कि देश का विभाजन अब न हो, ऐसे सभी लोग जो है उनसे हमारी वार्ता हो गई है राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए, क्योंकि अब देश का विभाजन हम लोग नहीं होने देंगे।